वेरी गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम बैक टू अनदर से इन दिस से वीआर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू स्कोर थर्टी फाइव प्लस मार्क्स इन योर मैनेजमेंट पेपर फॉर योर आर बी ग्रेड बी एग्जाम फेज टू नाउ बिफोर आई स्टार्ट विदो लेट मी गिव योर डिस्क्लेमर दट दिस वीडियो इज नॉट द कॉपी पेस्ट ऑफ वट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द फाइनेंस वीडियो ये वीडियो फाइनेंस वीडियो की कॉपी पेस्ट नहीं होने वाली है एंड डू नॉट स्टार्ट कंपेयरिंग द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंस विद मैनेजमेंट इट इज लाइक कंपेरिंग एप्पल विद ऑरेंजेस

that is specifically for commerce management RBI, SEBI, net for 5 plus years now it has been 5 plus years i have been with the team of anuj jindal i have my phd in finance and management from delhi technological university in the company secretary course i have an all india rank 8 so i have completed the course as well i am also a delhi university gold medalist for the batch 2012 to 15 that is at my undergraduate level in uh, in the subject of management commerce and hr i have net with all india rank all india rank ऑल इंडिया रैक एट रिस्पेक्टिवली एंड आइव ऑल्सो बीन द कंसल्टेंट एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर दि गवर्मेंट बॉडी सो दिस इज अ ब्रॉड ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ टू जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट वट हेज माई एक्सपीरियंस एंड वट ऑल थिंग्स एट आई ब्रिंग अलॉन्ग विद मी इन माई लेक्स नो लेट्स क्विकली गिस इज अ स्लाइटली एस्पेक्ट दैट वीव ऑलरेडी डिस्कस दट वट हैज बीन द एग्जाम थोड़ा सा एक्साम डिस्कस कर लेते हैं सो है अबाउट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट दस गोइंग टू बर्टी क्वेश्चन इन टोटल दिसंस वीडियो ऑल्सो These questions they're going to be 20 questions at the rate of 2 marks each, and then they're going to be 10 questions at the rate of 1 mark each. Okay, these are all compulsory, you have to attempt them. And on the second side, there are going to be 6 descriptive questions. Okay. 6 descriptive questions karne ko milenge, in which three questions are going to be 15 markers. And similarly, there are going to be 3 questions which are going to be for 10 marks. This is going to be the pattern, of course.

So, under the subject of fundamentals of management, you're going to get topics such as principles of management. What are the plan, the functions of management? All of these topics, which are specifically related to management. In the topic of organizational behavior, you're going to get the topics such as motivation, perception, leadership, so on and so forth. So, these two are technically two separate subjects, and they're going to be a separate kind of a strategy for preparation of both the topics. Because in terms of

तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ द सिलेबस मूविंग विद द सेकंड सेकंड पार्ट पार्ट इज अगेन इन टू टू टेक्निकली वन इज द सब्जेक्ट ऑफ एथिक्स एथिक्स एक खुद में ही एक अलग बहुत बड़ा बड़ा समंदर है जिसको समझने में बहुत टाइम लगता है अगर आपने कभी यूपीएससी की तैयारी करी हो तो आपको पता होगा कि एथिक्स कितना टेक्निकल हो सकता है एंड इज अनदर सेट ऑफ सब्जेक्ट विच इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस ना द गुड पार्ट इज दट सब्जेक्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज पार्ट ऑफ बोथ फाइनेंस एज वेल एज मैनेजमेंट सिलेबस तो दोनों के ही अंदर आता है बट इट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड यू हैव टू टेल यू अबाउट द रिसेंट ईयर दो हजार बाईस के अंदर जो एग्जाम हुआ था रिसेंट ईयर में जो एग्जाम हुए हैं उसमें द वेट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस वेरी वेरी हाई इट है थ्योरी सब्जेक्ट इट समाइम बिकम्स टेक्निकल समस्ट ईयर क्वेश्चन वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ इज गोइंग टू गिव यू अड आइडिया आगे चलते हैं सिलेबस देख लिया मोटा मोटा नाउ दिस इज ब्रॉडली द स्टूडेंट्स रिएक्शन व्हेन दे गो थ्रू द मैनेजमेंट सिलेबस एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम सेइंग बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ फाइव इयर्स बिकॉज मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं अंदर आर लॉट ऑफ सच टॉपिक्स विच यू विल फील दैट ओके दट हर्ड अबाउट लीडरशिप आई हर्ड अबाउट मोटिवेशन एंड इवन इफ यू हैव नॉट स्टडीड टॉपिक्स अगर आपने उनको ठीक से पढ़ा भी नहीं है इफ यू हैव नॉट क्लियर द कंसेप्ट ऑल्सो यू विल एंड अप राइटिंग एटलीस्ट समथिंग ट राइटिंग समथिंग विल नॉट हेल्प यू क्रैक द एग्जाम वेरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पर कुछ भी लिख के चले आओगे तो उससे मार्क्स नहीं मिले ठीक है सो देर फॉर यू विल है इफ यू थिंक दट यू नो एवरीथिंग यू आर एक्सपर्ट इन एवरीथिंग यू हैव टू गिव टाइम टू योर मैनेजमेंट सब्जेक्ट ऑल्सो अगर टाइम नहीं दोगे यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स ओके सो दिस शुड नॉट विक्शन नाउ इफ हैबाउट द टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मेजरलीय गोइ बी टू काइंड ऑफ क्वेश्चन वन इज गोइंग टू बी Objective question, which is MCQ format. Okay. And the second one is going to be descriptive question where you will have to write answers. Okay. So these are going to be the two formats. Now, also, if I have to tell you there's one advantage you can say that when it comes to management, the syllabus is entirely static in nature. You will not have current affairs-related elements, current affairs is my questions, and it is not related also. For example, the subject of management, the subject of organizational behavior, they're not going to change. सो यू कैन डेफिनेटली पिकअप सम रियल लाइफ एक्साम्पल्स अपने रियल लाइफ एक्साम्पल्सअप कर सकते हो इन्वायरमेंट से बट अदरवाइज करंट नॉट बिंग ओनली स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ मैनेजमेंट नाउ लेट्स मूव फॉर्वर्ड एंड लेट बी शो यू टू क्वेश्चन पास्ट ईयर दो सैम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूँ सो दट यू गेट अ ब्रॉड आइडिया सोन क्वेश्चन इज द फर्स क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंगज अ प्रोसेस थियोरी ऑफ मोटिवेशन उ लेट सेफ हर्ड अबाउट मोटिवेशन थ्योरी आपने मोटिवेशन थ्योरी के बारे में पढ़ रखा है इनके नाम पढ़ रखे बट यू नॉट क्लासिफाइडेड दैट वॉट आर द कॉन्टेंट थ्योरीज वर्सेज वॉट आर द प्रोसेस थ्योरीज अगर आपको इसके बीच का डिफरेंस नहीं पता यू नॉट अवेयर अबाउट द डिफरेंस और यूर नॉट क्लासिफाइडेड वाइल स्टडी वाइल अंडरस्टैंडिंग एस टू विच आर दोसेस थ्योरीज एंड विचर द कंटेंट थ्योरीज यू विल नॉट बी एल टू आंसर दिसक है आई एम नॉट गिविंग द आंसर आई वुड वॉन्ट डेट यू गिव मी द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन ओके देन वी आर द सेकंड क्वेश्चन सो दिस काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज मेजरली more like a factual question agar aapne rakha, agar aapko yaad hai, you will be able to answer the second type of question is what we call it as an analytical question or more of a conceptual question let's have a look at the second question which of the corporate governance theory emphasizes on the concept of having a gender diversity on board for better performance now this is an analytical question you must, might have not read it directly so as of now we are currently dealing with the chapter of corporate governance in the subject of finance we are discussing it in the enrolled students for the live classes that are happening continuously, so I believe that you guys will be able to answer this. So therefore, I am not giving the answer for this question. Also, what are the options? Agency theory, stakeholders theory, stewardship theory, resource dependence theory, and German model. These are the five options given to you. You have to tell me by commenting in the video comment section of this video that what is going to be the answer. But the idea of showing these two questions to you is to tell you that this is more like a factual question, and this is more like a conceptual or analytical question. सो so, अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि ऊपर ऊपर से पढ़ के चला जाऊंगा और एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा दट इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज द एग्जाम इज हाईली कॉम्पिटेटिव इन नेचर ओके सो दीज वर सम एग्जाम्पल फ्रॉम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नौ लेट्स फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव दिस इज फ्रॉम द रिसेंटली कंडक्टेड एग्जाम फर्स्ट क्वेश्चन इज वट इज कॉरपोरेट गवर्नेंस वट इज द नीड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड दिस इज अफ्टीन मार्कर क्वेश्चन मार्क्स का है क्वेश्चन सो यू कैन क्लियरली सी द वेज ऑफ दिस पर्टुलर चैप्टर एंड दिस चैटर इजमोस्ट इंपॉर्टेंट फ्राम बोथ फाइनेंस एज वेल एज मेनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू नाउ दिस क्वेश्चन माइड भी लुकिंग वेरी इजी बेसिक बेसिक लिखना है डिफाइन कर देंगे ठीक है नीड लिख देंगे पॉइंट के अंदर एंड की प्रिंसिपल बता देंगे बट इफ यो एल टू गिव रेलिवेंट एक्साम्पल्स इफ यू आट एबल टू कोड रेलिवेंट एक्साम्पल्स यू विल एंड स्कोरिंग यू थिंक दट इट अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन इट इज एक्चुअली नॉट अटिल अनलेस यू आर एल टू एक्सप्लेन हाउ आर दीज प्रिंसिपल हाद दीज की पिलर्स रिलेटेड टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस यू विल नॉट स्कोर गुड मार्क्सो चीज आपको ध्यान रखनी है सेकंड क्वेश्चन इज वट इज बिहेवियर री एनफोर्समेंट एक्सप्लेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव री एन्फोर्समेंट सो यहां पर भी इफ यर ओनली एक्सप्लेनिंग द कन्प्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीनफोर्समेंट विदाउट गिविंग एडुकुएट एग्जाम्पल्स अगर आप एडिकुएट एक्जाम्पल्स नहीं देते हो रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं देते यू विल एंड अपोरिंग नो मार्क्स सो कसेप्टल क्लैरिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड

How to improve your score? Very, very important. Now, the first question that you would ask is Sir, we have understood the videos, we have gone through the concepts, we have understood everything. How can we further improve our score? So, th these are three important elements that I am giving it to you. One is the list of examples. Now, how do toppers differentiate themselves with others? When they are preparing for these topics, let's say they are preparing for the subject of management and they are specifically preparing for descriptive, what they would do is they will already, already compile a list of examples from various topics. For example,

बट फस्ट वी यू आर प्रिपेरिंग फॉर स्कोरिंग बेटर मार्क्स एंड नॉट जस्ट फॉर गोइंग एंड गिविंग द एग्जाम ठीक है द सेकेंड पार्ट इज लिस्ट ऑफ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी इन कोर्ट्स ना नॉट स्पेसिफिकली आपको कोर्ट्स याद करने की जरूरत है रट्टे लगाने की जरूरत है बट द आइडियाज इफ यू कैन रिमेम्बर सम कोर्ट्स फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट बाई एक्सेप्प्शन हु गेव दिस कंसेप्ट इट वॉज गिवन बाई पीटेडर तो इसी तरीके से अलग अलग जो मैनेजमेंट के कंसेप्टो जो थ्योरीज जो हैं उनको किसने दिया हुर द फेमस पर्सनलिटीज गिम इफ यू हैव लर्न दम इफ है लिस्ट ऑफ दैम

आपको अगर डिफरेंस क्रिएट करना है तो आपको इस तरीके से एग्जांपल्स देने होंगे इस तरीके से प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के बारे में बात करना होगा कुछ ना कुछ डिफरेंट देना होगा समथिंग और दर यू विल हैव टू डिफरेंशिएट इन योर आंसर टू स्कोर बेटर मार्क्स देन दर ओके लड़ाई बहुत टफ है ठीक है तो थोड़ा एफर्ट मारना पड़ेगा द थर्ड एलिमेंट इज आंसर राइटिंग

यू आर रीडिंग द नोट्स वट एवस कॉन्टेंट यू आर रीडिंग वट एवर सिलेबस यू हैव बेस्ड ऑन योर सिलेबस ट्राई टू क्यूरेट सम आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बना लीजिए ग्रेजुएशन के पेपर देख लीजिए डेली यूनिवर्सिटी के जहां पर सेम सिलेबस हो बिकॉज सिलेबस रिमेन्स द से तो और नेिहेवियर के वहां से क्वेश्चन ले सकते हो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के वहां से क्वेश्चन ले सकते हो ट्राई टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन एंड ट्राई टू शो टू योर फ्रेंड्स और जो भी आपके मेटर्स है जैसे ऐसे वो इवेल्यूएशन कर जाएंगे देल बेबल टू तो गिव फीडबैक टू तो यू एज टू वॉट आर द एलमेंट्स वेर यू नीड टू मेक इंप्रूवमेंट क्या आपके ग्रामेटिकल इशूज हो रहे हैं क्या आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं क्या आप सही कॉन्टेंट में लिख रहे हो वॉट इज एग्जैक्टली द प्रॉब्लम देल बी एबल टू रिव्यू एंड देल बी एबल टू गिव यू फीडबैक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे सारी स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तभी एग्जाम निकलेगा एक दिन आके बैठ जाओगे कि सर आ, अब हमने तो प्रैक्टिस भी नहीं करी हमने डिवीजन भी नहीं किया आउ शुड है क्रेक द एग्जाम एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला ठीक है यू विल हैव टू भी वेरी सिस्टमैटिक इन योर अप्रोच एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट ठीक है सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पटर वीडियो आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू आई होप मजा आया हो वीडियो पसंद आई हो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज इफ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑलो आई वुड एक्सपेक्ट यू टू आंसर बोथ द एमसीक्यूज दोनों जो एमसीक्यूज हैं उसके जो आंसर्स हैं वो भी कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा लेट मी सी वेर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर ओमऑ थैंक यू गॉड बी